सोलन के पुलिस लाइन में स्थित वर्कशॉप में तैनात दो पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि वे गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला काला तेल निजी लोगों को सस्ते में बेच रहे थे, जिसकी खबर जिला पुलिस अधीक्षक को लग गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पर विभागीय जांच बिठा दी है और छानबीन की जा रही है। सूत्रों की माने तो पंजाब के एक व्यक्ति को तेल बेचा गया है, उससे भी पुलिस अधिकारी संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर पुलिसकर्मी इस मामले में दोषी है या नहीं। जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें पता चला है कि सरकारी सामान को गलत ढंग से बेचा गया है। इस मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है और पुलिस कर्मियों पर लगे आरोपों की कितनी सच्चाई है ये जानने का प्रयास किया जा रहा है और अगर इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे ये पता चला है कि कोई सामान बिक्री हुआ, लेकिन अभी उसके पूरी डिटेल्स पता नहीं है, पता चलेंगे तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उसमें हम इंक्वायरी करवाएंगे और जैसे ही कोई हमें किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।